दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे रायन के सातवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे फिल्म के अब तक के टोटल इंडिया नेट ग्रॉस ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया में 14 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था तो अपने पहले वीकेंड में 43 करोड़ 80 लाख का कलेक्शन किया था, अपने चौथे दिन में 5 करोड़ 87 लाख का, पांचवें दिन में 4 करोड़ 70 लाख का और अपने छठवें दिन में बुधवार के दिन में लगभग 4 करोड़ 33 लाख का नेट कलेक्शन किया, जिससे इस फिल्म के 6 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 58 करोड़ 70 लाख हो चुका है। तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 70 करोड़ हो चुके हैं। फिल्म ने ओवरसीज में 26 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन किया है। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 6 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 96 करोड़ 40 लाख हो चुके हैं। बात करें दोस्तों इस फिल्म के 7वें दिन की कलेक्शन की तो ये फिल्म अपने 7वें दिन में इंडिया में लगभग 4 करोड़ का नेट कलेक्शन करने वाली है। आपको बता दूं कि फिल्म का बजट लगभग 52 करोड़ है, इस फिल्म ने अपना बजट रिकवर कर लिया है और 2-3 दिनों में इस फिल्म को क्लीन हिट का टैग भी मिल जाएगा। फिल्म जैसे कलेक्शन करते दिख रही है उसे देख कर लग रहा है कि ये फिल्म आने वाले इस वीकेंड में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में 150 करोड़ का कलेक्शन भी कर लेगी। वहीं बात करें दोस्तों इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 7 रेटिंग मिले हैं। तो दोस्तों अगर आपने फिल्म देख लिया तो आपको फिल्म कैसी लगी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसे ही बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।